फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू लर्नर्स स्क्वाड। भाई, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि NTA, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है। NTA जो है वो हमारे कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती है, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें एक हमारा UGC नेट भी है। अभी तक UGC नेट CBSE कंडक्ट कराती थी, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कभी पेपर आउट हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो इसीलिए क्या डिसाइड किया गया कि भाई इसको CBSE के हाथों से लेकर के NTA को सौंप दिया गया, जिसके थ्रू अब NTA हमारे एग्ज़ाम कराती है। और अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि भाई NTA ने अपना एक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जो कि लॉन्च किया है 21 अगस्त को, जिसके थ्रू उसने पूरी तरह से बता दिया है कि भाई हमारे एग्ज़ाम 2019 में कब होंगे, एज़ वेल एज़ हमारे एग्ज़ाम्स 2020 में भी कब होंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसने एग्ज़ाम कब आएगा, कब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएगा आपका, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, किस डेट को, किस डेट तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है भाई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आ रही है, अच्छा एडमिट कार्ड हमारा कब आएगा, बिकॉज़ एडमिट कार्ड में भी कभी कभी गलतियाँ आ जाती हैं, तो हमें उसको सुधरवाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और वो सुधरवाना हमारे पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हमको पता होगा कि भाई हमारा एडमिट कार्ड कब आ रहा है, और मान लीजिए किसी की एडमिट कार्ड में कोई भी गलती आई, तो वो उसको सुधरवा सकता है, ठीक है, बिकॉज़ एडमिट कार्ड्स में थोड़ी बहुत गलती, माइनर इशूज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ कि हमारा UGC नेट का जो पेपर है वो कब होने वाला है। ये जो एक प्रेस रिलीज़ हुई थी, ये 21 अगस्त 2019 को हुई है, जिसमें इन्होंने दिसंबर 2019 टू जून 2020 तक के एग्जामिनेशंस के बारे में बताया है। भाई ये IIFT कराते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें भाई बेसिकली मतलब है हमारे UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2019। और पिछले साल से ही NTA करा रही, तो अब CVT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं हमारे। इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 9 सितंबर टू 9 अक्टूबर 2019 रहेगा, यानी 9 सितंबर को हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है। एडमिट कार्ड हम 9 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 से 6 दिसंबर 2019, यानी 2 से 6 दिसंबर के बीच में अल्टरनेट एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा, बट हमें इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करनी है तो वी हैव सफिशियंट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है एक तरह से कह सकते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास ये ऑप्शन है ना कि हम NVS की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद NVS की तैयारी DSSSB का फॉर्म आने वाला है, वो हमारा उसमें भी फ़ायदा करेगा, एज़ वेल एज़ ये हमारे UGC नेट में भी फ़ायदा करने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है। और सबसे अच्छी बात जो इनकी मुझे ये लगी कि इन्होंने अपने डेट ऑफ अनाउंसिंग रिजल्ट 31 दिसंबर को किया है, ठीक है। और भाई इन्होंने 2020 जून में ये अगला एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे NTA, ये भी CBT होगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है 16 मार्च टू 16 अप्रैल होगी, यानी अप्रैल में फिर से फॉर्म आ जाएंगे। 15 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा 15 टू 20 जून 2020 में UGC नेट के एग्ज़ाम्स होंगे, और डेट ऑफ अनाउंसिंग रिजल्ट 5 जुलाई, ठीक है। यहाँ पर भाई CSIR UGC नेट के का भी वही सेम डेट है, क्योंकि डिफरेंस कोई होता नहीं है, बस हाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है कि इनका उस किसी अलग दिन पे होगा और भाई UGC नेट वालों का अलग दिन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बात हुई भाई, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल हमारे इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस वॉज आकांक्षा। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर फॉर्म फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।